हेलो स्टूडेंट, मैं सुमित चौहान। स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का पार्ट टू, ऑर्गेनिज्म। देखो, मैं ऑर्गेनिज्म को इसलिए यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हम लिविंग वर्ल्ड की स्टडी करेंगे और इस वर्ल्ड के अंदर क्या है, ऑर्गेनिज्म। लिविंग कौन है? ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म देखो दो तरह के हैं हमारे अर्थ के ऊपर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। सेलुलर रिलेट टू सेल, यूनि रिलेट टू वन, मल्टी रिलेट टू मैनी। तो बिल्कुल सिंपल है, दोज ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सेल, वन सेल, नॉन एज यूनिसेलुलर। दोज ऑर्गेनिज्म हैव मैनी सेल, नॉन एज मल्टी सेलुलर। जिन ऑर्गेनिज्म के पास में एक सेल है वो यूनिसेलुलर, जिनके पास बहुत सारी है मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अमीबा युगलिना यूनिसेलुलर, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन मल्टी सेलुलर। देन सेलुलर हमने बात किया तो हम डिस्कस कर लें सेल को। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हो तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या है? सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है ये सेल है तो ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है तो ये अर्थ है। रॉबर्ट हुक इन 1665 फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछे लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, तो आंसर चेंज हो जाएगा, लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक इन 1674। ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था लिविंग सेल को। देन सेल ग्रुप करती है तो बनता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल नोन एज टिश्यू। टिश्यू क्या है? सेल का ग्रुप। टिश्यू ग्रुप करता है तो क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन ग्रुप करता है तो सिस्टम, और सिस्टम ग्रुप करता है तो बॉडी, और बॉडी किसकी है? ऑर्गेनिज्म की, जिसकी आप स्टडी कर रहे हो द लिविंग वर्ल्ड के अंदर। बायोडाइवर्सिटी। बायो मीनिंग मैंने क्या बताया? लिविंग। डाइवर्सिटी का मीनिंग याद रखना वेराइटी। तो बताओ हमारे अर्थ पे वेराइटी है या नहीं है? हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे टाइप के प्लांट्स हैं, बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हैं। द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड रिप्रेजेंट द बायोडाइवर्सिटी। द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड, या फिर मैं कह दूं ऑन द अर्थ, रिप्रेजेंट द बायोडाइवर्सिटी।